हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। देखिए बटरफ्लाई, वीडियो स्टार्ट करते ही इनके दर्शन हो गए। देखिए ये देखिए गुलहड़ पे बैठी हुई है। चलिए दोस्तों, आज मैं ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई है। ये खूबसूरत लगते हैं लोग। वाह, आज इस पेंटास के बारे में बात करते हैं। जो भी मेरे न्यू गार्डनर हैं, नए दोस्त, उनके लिए खासकर ये भी प्लांट बहुत ही आसानी से चलने वाला और साल भर फ्लॉरिंग करने वाला प्लांट है। बहुत ईजली चलने वाला और बहुत सुंदर लगने वाला, बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर, एक्जोरा के फ्लावर की तरह। और इसमें कलर वैरायटी भी आपको मिल जाएगी। ये तो रेड है, एक पिंक आता है और वाइट भी आता है। उसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, टिप की कटिंग। आप यहाँ से एक नोड नीचे आप कट करके लगा दीजिए, कैसे भी मिट्टी में, रेत वाली मिट्टी में जल्दी चल जाती है, वैसे कैसे भी मिट्टी में लगा दीजिए इसको, ये चल जाती है। और उसकी मिट्टी वैसी बनाना है, एक भाग मिट्टी, एक भाग सैंड, एक भाग कंपोस्ट। कंपोस्ट आपके घर पे नहीं है तो जो किचन वेस्ट निकलते हैं, गार्डन वेस्ट निकलते हैं, एक दो महीने पुराने हों, उन्हीं को आप नीचे आधे तक भर दीजिए और ऊपर मिट्टी भर दीजिए। उसके बाद इसको लगा दीजिए, बस ये चलता रहता है। ड्रेनेज का ध्यान रखिए और धूप में रखिए, इसको धूप चाहिए होता है। बाकी ये पूरे साल एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये बने रहेंगे। और एक प्लांट से आप हीरो प्लांट बना सकते हो। ज़्यादा कुछ मैं अपने गार्डन में कुछ ब्यूटीफाई नहीं कर पाती फ्रेंड, क्योंकि मैं अकेले पूरा काम करती हूँ, सारा कुछ। तो धीरे धीरे मैं लगी रहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, जितना हो पाता है। वैसे आप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। एक तो मैं बाहर से कुछ मंगाती नहीं, कुछ भी नहीं, खाद के नाम पे या किसी भी चीज़ नर्सरी से। कभी कभार पहले मैं प्लांट लेके आई हूँ, अभी काफ़ी टाइम से मैं नर्सरी भी नहीं गई। जाऊँगी बारिश के बाद, जाऊँगी जब मेरे टेरेस का काम हो जाएगा, उसके बाद जाऊँगी। अभी मैं कोई प्लांट बढ़ाना नहीं चाह रही हूँ, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए फ्रेंड। जो मैंने मिट्टी बताया वैसी मिट्टी बना के और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए। वो हर घर में लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलते ही रहते हैं, छिलकों से बनते हैं, दाल चावल के पानी, सब्जी का पानी, दाल राजमा कुछ भी आप भिगोए उसका पानी। ये दो चार दिन के अंतराल में भी दाल चावल का पानी डालिए तो कोई नुकसान नहीं करता, फ़ायदा ही करता है। और मेरा गार्डन तो पूरी तरीके से मैं प्राउड से बोल सकती हूँ कि ऑर्गेनिक है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। कुछ भी केमिकल के नाम पे या बाहर से कुछ लाया हुआ कुछ भी यूज नहीं करती। और इजली आपको घर पे हर चीज़ मिल जाता है तो फिर ज़रूरत क्या है, उससे प्लांट चलते रहते हैं। और ऑर्गेनिक की बात ही अलग है फ्रेंड, भले फ्लावर लेट आए या जो भी हो, लेकिन प्लांट इतने हेल्दी लगते हैं, इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती हैं कि देखते ही बनता है। तो आप ज़रूर लगाइए इसको, लाके कहीं से कटिंग मिल जाए या नर्सरी से। बहुत सारी बटरफ्लाई अभी मेरे गार्डन पे विचरण कर रही हैं बोल सकते हैं। कैमरा देख के भाग जा रही है, नहीं तो बहुत सारी आई हुई हैं फ्रेंड।
बस इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। बस फ्रेंड बाय।